हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमएसटी स्टिचिंग में। तो गाइज, आप लोगों ने इस वीडियो का पहला पार्ट जरूर देखा होगा। तो उस पहले पार्ट में मैंने इस कुर्ती के स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल दिया हुआ था। तो अब मैं इस पार्ट में इस शरारे की फुल स्टिचिंग का ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। तो आप लोग मेरी इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और मेरी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। और अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरी इस वीडियो से। तो गाइज, आप लोग मेरी इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम स्टिचिंग में इसके ऊपरी हिस्से से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मियानिंग ज्वाइन कर लिया है, अब हम इसके ऊपरी पार्ट को अच्छे से ज्वाइन करेंगे। तो आप लोग इस तरह स्टेप बाई स्टेप फॉलो करते हुए अच्छे से शरारे को सिल सकते हैं। बस आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को जोड़ना है अच्छी तरीके से, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपरी हिस्से को ज्वाइन करेंगे जहाँ पे हमें इलास्टिक को लगाना है। तो यहाँ पर हमने एक चौड़ी सी पट्टी को ज्वाइन करेंगे अलग से, ताकि वहाँ पे हम इलास्टिक को अच्छे से ज्वाइन कर सकें। और इसके बाद हमारी इलास्टिक जितनी चौड़ी होगी उसके हिसाब हम इसे मोड़ लेंगे। अगर आपकी इलास्टिक पतली है तो आप उसके साइज़ के हिसाब से मोड़िएगा, और अगर चौड़ी है तो आप उसके हिसाब से मोड़ सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक के साइज़ का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा जो ये इसकी साइज़ है, फिटिंग है, अच्छी तरीके से आएगी। इस तरीके से हम सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम जो इलास्टिक को अच्छे तरीके से किसी पिन की सहायता से अंदर डाल लेंगे, ताकि यह अच्छे से चला जाए। इस तरीके से हम इसको डाल लेंगे और उसके साइड पार्ट में हम सिलाई कर लेंगे। गाइज, अब हम इसके इलास्टिक पे सिलाई करेंगे। तो जब भी हम इलास्टिक सिलाई करनी हो तो उसको हम थोड़ा सा अच्छे से खींच कर सिलाई चलाएंगे, ताकि जो हमारा जो इलास्टिक है वो अच्छे से स्टिचेबल बन सके। तो जब भी हम इसमें सिलाई करें तो अच्छे से इसको खींच कर ही चलाना है धीरे धीरे। आप लोग देख सकते हैं, तो ये हमारा सिलाई अच्छे तरीके से हो गया। अब हम इसके साइड को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। हमारा ये अच्छे से स्टिच हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, ऊपर हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके नीचे के जो घुटने से स्टार्ट होता है चूनट को हम ज्वाइंट करेंगे। तो अब हम इसके चूनट के जो अंदर अस्तर है उसको ज्वाइंट कर लेंगे, उसको चूनट मार लेंगे। अब हम इसके ऊपर जो उसका ऊपर के ऊपरी भाग है, ऊपर का कपड़ा, अब उसको भी चूनट से हम कन्वर्ट करके अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हम दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसको जोड़ने के बाद हम इस पर लेस वगैरह भी ज्वाइन कर लेंगे, जो इसको काफ़ी अच्छा और सुंदर बनाएगी। तो मैंने येलो कलर का लेस लिया है, इसको मैं अच्छे तरीके से घुटने के जॉइंट पर जहाँ पर है वहाँ पर मैं अच्छे से इसको लगा दूँगी, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे दोनों साइड।
गाइज ये नीचे का हमारा शरारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग ज़रूर बताइए कैसा बना है। अगर आपको मेरा ये शरारा अच्छा लगा हो, मेरी स्टिचिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग भी आगे बढ़ें। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।